सभी डबल लाइट कर्मातीत यूनाइटेड ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। रूहानी सर्जन आज निरोगी हेल्दी बनने की दवाई लेकर आए हैं, तो हमें वो दवाई पीना है, खाना है। कैसे? खुद में दवाई को कैसे भरेंगे? क्या है दवाई? ज्ञानामृत पीना है और याद, याद से मिलने वाली शक्ति खुद में भरनी है, समानी है, तब बनेंगे निरोगी। साथ ही साथ हमें स्वयं से बातें करनी हैं, एकांत में रहना है, मौज का अनुभव करना है, तब ये दवाई असर करेगी। अभी तो हम पिंजड़े से बाहर आ गए ना, आत्म पंछी पिंजड़े से बाहर आ गया, तो अब हमेशा बेहद गगन में उड़ान भरनी है। बसंत ऋतु का हमें आनंद लेना है। अपना जमा का खाता कैसे बढ़ाएं, जानने के लिए सुनते हैं 19 मार्च 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। देहधारियों को याद करेंगे तो बीमार पड़ेंगे, बाबा को निराकारी शिव परमात्मा को याद करेंगे तो निरोगी बनेंगे, एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, घड़ी घड़ी याद करो, हर सेकंड बाप याद रहे और उनसे प्राप्त होने वाला वर्षा याद रहे। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। उत्तर में बाबा कहते, अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है। बातें करना माना याद रहे, मन में याद रहे, बुद्धि में चलता रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो तो खत्म होने वाला है, बस हम और बाबा ही रहेंगे, मैं और मेरा बाबा। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। एक के अंत में खो जाओ, एकांत में बैठो, अपने आप से ऐसी बातें करो कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या बचेगा, कौन रहेगा, मैं और मेरा बाबा। बाबा कहते हैं बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता शिव भगवान उवाच,
मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, आत्मा उत्तम बन रही है, और यह जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं, हाँ देखो पंख पसार के उड़ते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजड़ा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं, अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए, है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता, तो आसुरी संस्कार पर हमने विजय पाई, अब लड़ाई की तो बात ही नहीं, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो, आसुरी रावण अर्थात पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। अपने विकारों पर हम जीत पाते हैं, पांच विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है, सुहावना मौसम। अभी तो देख रहे हैं ना, एक ही दिन में तीन तीन मौसम, गर्मी सर्दी बारिश। बाबा कहते हैं ऐसी जगह जा रहे हैं हम बच्चे जहां हमेशा बसंत ऋतु। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है, यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, यहाँ तो थोड़े समय के लिए बसंत ऋतु अच्छा मौसम रहता है ना, बाकी तो देखो सबको कंप्लेन ही रहती है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, बहुत बारिश हो रही है। तो बाबा कहते हैं वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है, वहाँ गर्मी आदि होती नहीं है, गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं, है गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, तो इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएंगी, यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन को बाप में लगा दो यही दवाई है, प्रकृति जीत बन जाएंगे। वो देखो कितनी दवाइयाँ लिखते हैं डॉक्टर, सब दवाइयों का अंत में क्या नाम होता है, सिन सिन सिन, तो जितना सिन किए हैं उतने सिन खाने पड़ेंगे, हाँ सिन माना पाप, जितने पाप किए उतनी दवाइयाँ उतने सिन खाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि तन मन के रोग से छूटना है तो मुझ एक बाप को याद करो। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती, बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या, इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे, कैसे बच्चे अपने बाप को ही भूल जाते हैं, कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं, क्यों बने हैं, बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने, फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो, ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, इतना बार तुमने वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो, बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, लिखना क्या है, बाबा कह रहे लिखा पढ़ी करके कोई बाबा को याद करोगे क्या, बुद्धि से याद करो। यह तो हर एक अपने दिल से पूछे, नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था, तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं, हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं,
जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है, बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता है। कैसे 21 जन्मों के लिए राजा बने ये बात पता चल गई है, लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं करते राजा बनने का, अक्ल ही नहीं है। वंडरफुल बात है, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद न करना यह तो वंडरफुल बात है। कैसे वंडरफुल बच्चे हम। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। इतनी बड़ी प्राप्ति है, भगवान स्वयं मिला है तो हर पल याद करना चाहिए, याद आनी चाहिए, याद सताना चाहिए। बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आप ही कहते हो, हम पतित कंगाल छी छी वर्थ नोटा पहनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। पुकार सुनकर ही आए ना बाबा, लेकिन अपने समय पर आते हैं, उनका पार्ट फिक्स है ड्रामा में आने का। तो बाबा कहते हैं, तुमने पुकारा मुझे तो मैं आया। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। कालू का काल महाकाल आ चुके हैं। हाँ, बुलाकर गलती की क्या हमने। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष, लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा, कभी लड़ाई लगेगी नहीं, न कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं, रोज नई बीमारी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे, तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो सुख शांति दो। यह दो चीजें हर एक मांगते हैं, कहते हैं ना सुख शांति चाहिए बस, यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उनको प्राइज मिलती रहती है, बेचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके, शांति का सागर ही शांति दे सकते हैं। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। देखो साकार बाबा ने गवर्नमेंट को भी पत्र लिखे थे, बाबा का परिचय दिया था। बाबा कहते हैं, बहुत ही रॉयल्टी से लिखो। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है, तो कितने अच्छे कागज पर लिखना चाहिए। भगवान का पैगाम, भगवान का संदेश हम लिख रहे हैं। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उस प्रकार मिले। कब थी शांति जो आपको चाहिए, जरूर कभी मिली होगी, तुमको मालूम है। तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो, हम बता सकते हैं कि कितने तारीख से कितने तारीख तक शांति थी, कैसे मिली, कैसे गवाई, सब लिख सकते हैं। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था, वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी की निशानी, यह लक्ष्मी नारायण है डायनेस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको पता नहीं है, मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मापदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं, कैसे बताएं कि ब्रह्मा कौन। बाबा कहते हैं,
हर पॉइंट किसको कैसे समझाना है विचार करो। मनुष्यों को कितना नशा है, अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास, वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं, ज्ञान का स्थाई पुस्तक कोई बनता नहीं। मुरली की, सभी मुरलियों की कोई एक पुस्तक हो ऐसा तो नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। हाँ, सच्ची गीता का, मुरलियों का बाबा कहते हैं ज्ञान का स्थाई पुस्तक कोई बनता नहीं, ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ऐसा नहीं कि बाबा कोई पुस्तक से देखकर पढ़कर सुना रहे हों, बाबा सागर हैं, जैसे लहरें उठती हैं बाबा वो सुनाते हैं, तो कान से सुनना है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो यह सब टेम्परेरी हैं, यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो यह भी खत्म हो जाने हैं, सब कुछ जलमग्न होगा, विनाश में तो सब कुछ स्वाहा होगा, तो संस्कार के रूप में साथ जाएगा। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है, बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आँखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगी, पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। साफ मैदान, सब कुछ धूल धूसरित हो जाएगा। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छींची ही मिलता है। मटेरियल भी देखो तमो प्रधान होता जा रहा है, तो प्रोडक्शन शरीर भी ऐसे ही होता जा रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं, बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। बाबा अपने नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे किन बच्चों को, जिन्होंने अपने नैन में सिर्फ बाबा को समाया हो, जिनके नैन इधर उधर नहीं जाते हों, जो सिर्फ ज्ञान का तीसरा नैन, तीसरा नेत्र जो यूज करते हैं, स्थूल आँखों को अब विराम देना है। ऐसे बच्चों को बाबा अपने नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाप की नज़र हम पर पड़ी, देखो निहाल हो गए ना हम। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो, अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर राजा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था, याद करते थे और सामने आ जाता था, मतलब सोचा और वो अनुभव करते थे, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो, वह है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम हो जन्म जन्मांतर के, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। तो बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। यह बातें इस समय ही होती हैं, आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं, मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए, बस विचारों में। हाँ, बाबा कहते हैं कि विकार के लिए प्यार नहीं है। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं, तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं, बाबा तो देखो निराकारी है। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे, भगवान के नाम पर क्या नहीं करने को तैयार थे, अब भगवान मिल गया तो भगवान की बात ही नहीं मानते हैं। आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। तो बाबा कहते हैं अब जो वादा किया वो निभाओ,
अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। माउंट आबू में उस समय तो बहुत पादरी आते थे ना, चर्च भी है वहाँ। तो बाबा कहते हैं माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। धीरे धीरे चलते जाते हैं, वो लोग क्राइस्ट को याद करते होंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें किसको पता नहीं। तो बाप के कर्तव्य बाप की महिमा को याद करना है। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो, मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, एकांत में याद में रहो। अब मधुबन जाके भी इधर उधर घूमना नहीं है, शॉपिंग गए, ये मिलना वो मिलना ये करना, हाँ अनुभव के लिए जाते हैं ना मधुबन। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बहुत जगह, इतना बड़ा घर है बाबा का, कहीं भी बैठ के याद करो। बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की, हाँ 8-9 बजे सो जाओ और फिर 1-2 बजे उठो। बाबा कहते हैं कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, देखो एकदम शांति रहती है, साइलेंस, निस्तब्धता। बाबा कहते हैं बहुत जमा करो, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ, आपस में भी यही राय करते रहो। बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। अपने अपने स्थानों पे तो सबको धंधा दोरी है, तो बाबा कहते हैं ये मौका अच्छा है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है, फुर्सत तो बहुत रहती है लेकिन किसके साथ समय बिताते हैं, सबके हाथ में खिलौना है ना। तो दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है, आशिक माशूक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का, 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। जिसको जितना समय मिलता है उतने दिन के लिए जाते हैं तो उसका तो पूरा फायदा उठाए ना। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ, विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना द्रौपदी के चीर हरे, तुम सब द्रौपदियां होना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ पखाना जाना होता है तो स्नान जरूरी है, लैट्रिन गए, पखाने गए, पॉटी गए, तो बाबा कहते तब स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं, हर पल याद कर सकते हैं ना, मन से याद करना है, बुद्धि से याद करना है, मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं।
मन कहाँ भागेगा, ये दुनिया तो रहनी भी नहीं है। दुनिया तो है नहीं, यह सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं। जो पहुँच गए माना उनकी भक्ति पूरी हो गई, पूरी होने वाली है, इसलिए परिचय मिला और बस अब यहीं के बनना है। और जो नहीं समझ में आ रहा है माना उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, वो आजकल के भक्त हैं, वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में नहीं। मधुबन का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा कहते हैं जो पूरे साल नहीं कर सकते वो मधुबन में जितना भी समय मिला उसमें पूरी कसर निकाल सकते हो। लूट लो बाबा को, हाँ खुद को समर्पित कर दो। एक एक सेकंड घड़ी घड़ी बाबा को वर्षे को याद करो। बाबा राय देते हैं, बाबा राय देते हैं कि 7 रोज में भी भरपूर हो सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। बाप दादा समझाते हैं, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। सब कुछ तेरा, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे, जो स्वर्ग में भी नहीं होगा, वो अभी हमारे पास है। बाबा तो है ही, बाबा कहते हैं और भी अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो पूरे कल्प में कभी भी किसी के पास नहीं होएगा, जो हमारे पास अभी संगम युग पर बाबा ने हमें दिए हैं। स्लोगन, खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। बाबा से ज्ञान गुण शक्ति समय संकल्प पवित्रता दुआएं पुण्य कर्म खुशी का खजाना नव निधि जो भी खजाने मिले हैं सबको हमें सेवा में लगाना है, अपने जमा का खाता बढ़ाना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, याद रहे कि पिंजरे से हम मुक्त हो गए, आत्म पंछी अब पिंजरे में नहीं है, तो बेहद गगन में उड़ान भरनी है। दूसरा, एकांत, एकांत में बैठ एक अंत में खो जाना है। तीसरा, विश्व शांति में हमें अपना योगदान देना है। कैसे देंगे? शांत रहकर, शांति के वाइब्रेशन फैलाकर। चौथा, बेफिक्र बादशाह, मेरे को तेरा कर दो। पांचवा, जमा का खाता बढ़ाना है, मिले हुए खजाने को विशेषताओं को सेवा में
यूज़ करना है। ओम शांति। देकर हाथ हाथ में जेकर किसी पे में भर।